ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ये लगातार आप देख रहे हैं, हर जगह हर समाज की जन जागृति हो रही है, क्या इसको एक संदेश देखा जाए 2019 के चुनाव में? बिल्कुल, ये संदेश नहीं आह्वान है और ये पूरे भारत के लिए आह्वान है जो दिल्ली प्रदेश से जो आवाज़ उठेगी, क्योंकि 60-70 साल की आज़ादी के बाद भी आज तक वाल्मीकि समाज के लोगों को टिकट नहीं मिला, लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, उसके लिए राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। आज समाज जाग गया है, आपके सामने ये महापंचायत का फैसला होने जा रहा है। हम उम्मीदवार अपना उतारेंगे, चाहे निर्दलीय उतारे, लेकिन पहले तीनों पार्टियों से बात भी करेंगे। हम अपना MP का नाम लेकर जाएंगे अपने समाज में जो महापंचायत तय करेगी। अगर पार्टियां तय नहीं करती कि समाज को टिकट नहीं देना, तो हम विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। इस महापंचायत में आज भी निर्णय होने वाला है कि कौन हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा। जी, हमारी जो 50 लोगों की अभी टीम बनने जा रही है इस महापंचायत के फैसले के बाद, हमारी 50 लोगों की एक टीम बनेगी, वो तय करेगी। आज हमने कुछ उम्मीदवारों के नाम भी मांगे हैं। हम कांग्रेस के पास भी जाएंगे, आम आदमी के पास भी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास भी जाएंगे। तीनों से पहले जो लोग हमारे समाज के वहाँ, वाल्मीकि समाज के वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको टिकट, उनको उम्मीदवारी के लिए हमने जो हमारी रिजर्व सीट है, हम मांग करते हैं, हम जनरल सीट पे नहीं, अपनी रिजर्व सीट के लिए मांग करते हैं। सर, एक सवाल है आपसे, जिस तरीके से अभी 15 साल कांग्रेस रही है और अभी 5 साल पूरे आम आदमी पार्टी को होने वाले हैं, और 20 साल और नहीं 30 या 40 साल हो गए हैं वाल्मीकि समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो आप लोगों ने अभी तक कोई राजनीतिक विकल्प पैदा क्यों नहीं किया? ये हमसे कह लीजिए, सच बोलने में हर्ज भी नहीं है। जो हमारे समाज के पुराने जो लीडर थे, वो इनकी बातों में, इनकी भावनाओं में और देशभक्ति के नाम पर हमारे समाज को ये विश्वासघात करते रहे, और जबकि इस परिवार में बहुत ऐसे प्रमुख लोग हैं, उम्मीदवार हैं, आज वो देश का नेतृत्व भी कर सकते हैं। राखी बिड़ला को आज से 5 साल पहले जो टिकट मिला था आम आदमी पार्टी ने दिया, उसके लिए हम केजरीवाल जी का धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने, बीजेपी ने कभी हमें टिकट नहीं दिया। इस बार भी वो किसी को लगता है कि अलग उम्मीदवार को बनाने जा रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा, तीनों पार्टियों के लिए चेतावनी है ये आज इस महागठबंधन में। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रिजर्व सीट जी, वहाँ से कैंडिडेट है डॉक्टर उदित राज बीजेपी की तरफ से, तो आप बीजेपी के यहाँ जाएंगे और कहेंगे कि हमारे वाल्मीकि कैंडिडेट दे वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से सहमत है, आज यही विचार हो रहा है, हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो समाज तो सर एक ही है। सर, आप रिजर्व सीट की बात कर रहे हैं, सर आप रिजर्व सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 27 लाख और 28 लाख की आबादी है पूरे दिल्ली में वाल्मीकि समाज की, क्यों नहीं इंडिविजुअल आप 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, अभी हम दिल्ली प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमें पूरे देश की बात नहीं कर रहे, दिल्ली प्रदेश की एक सीट की बात कर रहा हूं, रिजर्व सीट की बात। जी, हम रिजर्व सीट पे चुनाव क्यों लड़े जबकि आपकी जनसंख्या 27 लाख है? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, अभी इस महापंचायत में ये फैसला होने जा रहा है, अभी थोड़ा आप इंतजार करें, ये फैसला होने जा रहा है। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।